कोर्ट के जज ने यह जरूर बोला है कि मनीष कश्यप को हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी। अभी बुरी खबर है कि वो अभी 4 अप्रैल को पेशी के लिए बेतिया कोर्ट में हाजिर नहीं हो, कि 4 अप्रैल को बेतिया कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तमिलनाडु पुलिस ने उनको रिमांड पे, 1 सप्ताह के रिमांड पे लेने के लिए बातें कर, कश्यप को रिमांड पे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। मनीष कश्यप के लिए आज जो खबरें सामने आई है वो मैं चाहता हूं मेरे कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। आज मदुरई कोर्ट के जज ने यह फैसला सुनाया है कि बुधवार के दिन अपना पूरा रिपोर्ट देखने के बाद मनीष कश्यप के ऊपर अपना बयान देंगे। उसके साथ ही जो खबरें सामने आ रही है कि तमिलनाडु पुलिस ने उनको रिमांड पे, 1 सप्ताह के रिमांड पे लेने के लिए बातें करी, तो जज साहब ने यह क्लियर कट कर दिया है कि बुधवार को जो फैसला आएगा उसके बाद मनीष कश्यप को रिमांड पे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यहां बिहार के लोगों में यह थी कि 4 अप्रैल को बेतिया कोर्ट में पेश किए जाएंगे मनीष कश्यप। उनके लिए कम से कम ये अभी बुरी खबर है कि वो अभी 4 अप्रैल को पेशी के लिए बेतिया कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, जब तक कि तमिलनाडु, लेकिन ये चीजें जरूर है कि वहां मदुरई कोर्ट के जज ने यह जरूर बोला है कि मनीष कश्यप को हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी। आखिर हथकड़ी लगाने की नौबत क्यों आई? उनका सीधा सा कहना था कि ये कोई क्रिमिनल नहीं थे, इनको समझाया जा सकता था, थाना बुलाया जा सकता था। अगर वो थाने नहीं आते, किसी तरह की कोई दिक्कत आती तब आप अलग कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इस तरह की कोई बातें थी नहीं। तो इस मामले में तमिलनाडु पुलिस को थोड़ी फटकार जरूर लगी है और मनीष कश्यप के समर्थकों को ये जरूर एक एहसास हुआ है, एक उनके लिए एक अच्छा मैसेज गया है कि मनीष कश्यप के फेवर में तमिलनाडु की जज, मदुरई कोर्ट के जज उनके साथ में। आगे की जो भी अपडेट्स आएंगी, ये जरूर है कि 4 अप्रैल को बेतिया कोर्ट में जो पेश होने थे वो अब पेश नहीं होंगे। बुधवार को जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही मनीष कश्यप बेतिया आ सकते हैं और बेतिया कोर्ट में वो दाखिल हो सकते हैं। जो भी अपडेट्स मेरे तक आएगी हम चाहेंगे कि हम आपको जरूर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं जरूर अपने अपने कमेंट्स दें, जो कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चले कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं और क्या क्रियाएं हैं। धन्यवाद।